नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामले में जो इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि समाचार पत्रों में जो खबरें, जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, उसमें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एक तरह से मान ली है कि आरा में क्वेश्चन आउट जो है वो सबसे पहले नहीं हुआ। आरा में बद इंतजामी हुई, वहाँ पर पता नहीं सेंटर मैनेज था या फिर जो भी किया गया, लेकिन और वहाँ से भी संभावना है कि पेपर लीक किया होगा, लेकिन उससे पहले जो है पेपर लीक किया है और ये संगठित जो सॉल्वर गैंग है उनका काम है, सब जो जालसाजी करते हैं, क्वेश्चन लीक कराते हैं, उनका काम है। दैनिक जागरण के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 युवकों की तलाश चल रही है और उनके तलाश में कई जगह इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने छापेमारी भी की है, लेकिन उनका पता नहीं चला है। और व्हाट्सएप को ही मेन आधार बनाया गया है इस जांच को लेकर, क्योंकि जो अभी तक खबर आ रही है उसके मुताबिक ऐसा नहीं था कि जब ये क्वेश्चन अफसरों को दिया गया या दिलीप को दिया गया तो ये जो था लीक का ये पार्ट था। ये माना जा रहा है कि ये जानबूझ के इन लोगों के पास पहुंचाया गया ताकि ये मामला उजागर हो। उजागर इसलिए हो क्योंकि 2 लोग हैं। सबसे पहले दिलीप जो हैं वो दुनिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि हमें मिला है और हमने जो है मीडिया को दिया और हमने उसे चलाया। और दूसरे हैं रंजीत कुमार सिंह जो कि सीनियर IAS हैं, उन्हें भी आया और उन्होंने BPSC को भेजा, परीक्षा नियंत्रक को भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा, फोन करके बताया कि इस तरह क्वेश्चन वायरल हो रहा है, जांच कर लें आप सही है या गलत है। तो इन दोनों लोग के पास जो ये क्वेश्चन भेजा गया है ये इसलिए भेजा गया क्योंकि जो लोग थे, जो सॉल्वर गैंग के लोग थे, उन्हें विश्वास था कि ये लोग के पास जाएगा तो ये लोग दुनिया के सामने इसे रखेंगे और पर्दाफाश होगा कि BPSC का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया गया, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक है कि क्वेश्चन पेपर पहले ही वायरल हो चुका था और उसकी एवज में सेटिंग गेटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन एक दूसरे गैंग ने काम किया था जो कि करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे, पता नहीं क्या उसका रहा होगा। तो उस गैंग ने जो है क्वेश्चन पहले आउट कराकर जो भी अपने जिनको देना था, जिन छात्रों ने उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने उनको पैसे दिए थे, उनको उन्होंने दे दिया। और इसकी भनक जो है वो एक दूसरे गैंग को लगी कि अरे बाप रे, BPSC का PTA क्वेश्चन वायरल निकाल के और ये लोग पैसे छाप रहे हैं। तब उसने खुन्नस में, दुश्मनी में, प्रतिस्पर्धा में उन्होंने नहले पे दहला फेंका कि इन पेपरों को ऐसे लोगों के पास पहुंचाया जिन्हें उन्हें पूरा विश्वास था कि इनके पास पहुंचने पर भंडाफोड़ हो जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा और परीक्षा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 2 जालसाज गिरोहों के प्रतिस्पर्धा के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा के कारण ये मामला उजागर हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर ये नहीं होता तो ये BPSC भी साफ सुथरा रहता और एग्जाम होते, कट ऑफ निकलता और लोग PT मेंस इंटरव्यू तक पहुंचते। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या 66वीं के समय में जो हल्ला हुआ था, जो छात्रों ने कहा था कि यहाँ क्वेश्चन आउट हुआ है, वो सही था? क्योंकि उस समय ऐसे किसी के लोग के पास नहीं भेजा गया था जो कि इसको समय रहते उजागर कर सके। 3 लोगों की तलाश चल रही है और ये वही लोग हैं जिन्होंने अफसरों को दिया था या अन्य लोग को दिया होगा और उन्हें विश्वास होगा कि इनके पास देने से ये क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाएगा। और EOU जो है उसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, आखिर वो 3 लोग कौन हैं, कहाँ हैं, और वो पकड़े जाएंगे तो वो बताएंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा किया और किन लोगों ने जो है क्वेश्चन को वायरल किया था पहले से ही। फिर से वैसे लोग जो कि पहले से क्वेश्चन आउट करा के बेच रहे थे उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो स्पष्ट है कि ये गिरोह का काम है और गिरोह बिहार में सक्रिय हैं। देश में कहीं भी कोई भी परीक्षा संबंधी गड़बड़ी होता है तो उसके तार बिहार से जरूर जुड़े रहते हैं, चाहे वो IIT की परीक्षा हो, NEET की परीक्षा हो या फिर कोई भी राज्य स्तरीय मेडिकल इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा हो। अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो उसके तार बिहार से जुड़े ही रहते हैं और बिहार में ऐसे ऐसे गिरोह हैं
जिनके बारे में सोचना मुश्किल है, जिनके पास सैकड़ों उसके अंडर में लोग काम करते हैं। आप ही सोचिए कि बिहार में 11,880 सिपाही की बहाली के लिए पीटी परीक्षा का आयोजन होता है और उसमें से पास करने के बाद कैंडिडेट जाते हैं फिजिकल देने, तो वहाँ पर उनका बायोमेट्रिक मिलान जांच होता है, तो पता चलता है 650 के आसपास छात्र जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने पीटी परीक्षा में खुद न बैठ के सॉल्वर गैंग को बैठाया था। तो आप समझिए 650 लोग जो हैं उस अलग अलग गैंग में काम करते हैं, उसके संपर्क में हैं, उसके लिए दूसरे के बदले में परीक्षा में शामिल होते हैं। तो कितना बड़ा ये संगठित गिरोह होगा जो कि हर एक परीक्षा, सिपाही भर्ती का भी क्वेश्चन आउट हो जाता है, दरोगा का इस बार आउट नहीं हुआ लेकिन पहले भी आउट होने के आरोप लगते रहे। तो ज़रूरत है सरकार को कि ऐसे जितने भी गिरोह हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनकी एक एक सदस्य को पकड़ा जाए ताकि क्वेश्चन न वायरल किया जा सके न ही आउट किया जा सके। और मुझे आशा है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा इसे पूरा किया जाएगा और वैसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो बिहार में मेधावी छात्र जो हैं, मेहनती छात्र जो हैं, उनके मेहनत को बर्बाद करते हैं या फिर उन्हें लटकाए रखते हैं। बताइए कि ये जो प्रकरण हुआ इससे BPSC की परीक्षा जो है 2-3 महीने ऑलरेडी लेट हो गई, पहले ही 4 बार डेट बढ़ चुका था। 12 दिसंबर को होने वाला परीक्षा 8 मई को हुआ और क्वेश्चन आउट हुआ, वो भी कैंसिल हो गया। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है अब उसका मेन निशाना आपको बताएं कि व्हाट्सएप के माध्यम से उन गिरोहों तक पहुंचना है जो कि क्वेश्चन वायरल करने में या फिर क्वेश्चन आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि BPSC के 100 लगभग कर्मचारियों अधिकारियों के लिस्ट इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को सौंपे जा चुके हैं और इनके सारे डाटा, सारे कॉल और जितने भी इनके द्वारा मैसेजिंग की गई है वो खंगाले जा रहे हैं कि क्या BPSC के अंदर से तो क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, BPSC के अंदर ही कोई ऐसा कर्मचारी या अधिकारी था जिसने फोटो लिया और वो अपने जो गैंग के जो हैं उनको भेज दिया गया और उसके बदले में उन्हें पैसा भी मिल गया। और आपको बताएं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये कहा कि BPSC के अंदर के लोग जरूर शामिल होंगे, वो भी बहुत दिनों तक बिहार के राजनीति को देख रहे हैं, Deputy CM रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही ये बात बोल दिया, जरूर इसके भीतर कुछ ना कुछ क्लू होगा, उन्हें पता होगा कि BPSC के अंदर क्या खेल चलता है, तभी उन्होंने ऐसी बातें कही होंगी। तो जरूरत है कि सबसे पहले BPSC के अंदर ही खंगाला जाए और ये 3 छात्र जिसके बारे में पेपर में दिया हुआ है इनको पकड़ा जाए कि आखिर इन्हें कहां से क्वेश्चन मिला और क्या है असलियत। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।